राज्य के सीएम अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई घोषणाओं पर अमल होना शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने अपने बजट में महिला यात्रियों को रोडवेज की बसों में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की थी। बजट में की गई घोषणाओं पर 1 अप्रैल से अमल शुरू होना था। इसी के तहत शनिवार को 1 अप्रैल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलना शुरू हो गया। उधर रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को किराए में मिली इस छूट के बाद महिला यात्रियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। बस से यात्रा करने वाली महिलाओं ने खुशी का इजहार करते हुए गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया है। महिला यात्रियों ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत का यह कदम महिलाओं के लिए हितकारी है। बजट घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से महिलाओं को किराए में मिलने वाली 50% की छूट को देखते हुए शनिवार को बसों में अपेक्षाकृत महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा दिखाई दी। मालूम हो कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए भी पहले 50 किलोमीटर तक अध्ययन करने जाने पर किराए में दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर अब 75 किलोमीटर कर दिया है। ब्यावर आगार के प्रबंधक यातायात निरंजन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से रोडवेज की साधारण बसों में महिला यात्रियों के किराए में 50% की छूट शुरू हो गई है। पूर्व में यह छूट 30% थी, जिसे बजट में बढ़ाकर 50% कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जो स्टूडेंट है उनको पहले 50 किलोमीटर तक उनका आधा किराया लगता था, अब उनका जो 75 किलोमीटर तक राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। और साथ ही महिलाओं को भी राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी छूट प्रदान की है। पहले 30% छूट प्रदान की जाती थी, जो अब 50% छूट हो चुकी है। इससे काफ़ी महिलाओं को फायदा पहुँचेगा और बसों के अंदर ये सुगम यात्रा का अनुभव है। 1 अप्रैल से लागू है और सभी जो साधारण बसें हैं उनमें ये सुविधाएं लागू रहेगी महिलाओं के लिए।